सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री सुर्खियों में है। हम आपको बताते हैं कि पंजाब की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में विवाद कोई नया नहीं है। इस इंडस्ट्री से विवादों का दशकों पुराना नाता है। विवादों के केंद्र में मुख्य तौर से जातीय दंभ, हथियारों का दिखावा, दबंगई और खूनी खेल रहे हैं। यही कारण है कि पंजाब में गायकी की कई धाराएं मिलती हैं। एक धारा है जिस पर जट सिखों का दबदबा है। सिद्धू मूसेवाला उसी धारा से थे। एक धारा है जो दलितों की गायकी का है, जिसे दलित पॉप या दलित रैप भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग अपना दुख बयां करते हैं, करते हैं, लेकिन इनका अंदाज भी बदले की भावना वाला ही होता है। इनकी गायकी का मकसद है कि अब हम नहीं दबेंगे, शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ेंगे या फिर बराबरी के लिए लड़ेंगे। ऐसी ही कई और धाराएं हैं। फिर आता है गायकी के जरिए दबंगई दिखाना, हथियारों का प्रदर्शन करना और जातीय दंभ दिखाना कि हम ऊपर हैं, आगे हैं या ताकतवर हैं, या फिर हम किसी से डरते नहीं। ऐसे गाने पंजाबी इंडस्ट्री में हमेशा से बनते आए हैं। कुछ गायकों के नाम और कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। पंजाब में पहले अखाड़े लगाने का कल्चर हुआ करता था। ये अखाड़े कुश्ती के नहीं होते थे, गायकी के होते थे। इनमें गायक स्टेज पर आते थे और उनको सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी होती थी। ऐसे गायकों में कई नाम हैं, लेकिन कुछ जो अपनी गायकी से फलक पर छाए और जिनके अखाड़ों में भीड़ लगा करती थी, उनमें कुलदीप सिंह का नाम आता है, जिन्हें के दीप के नाम से भी जाना जाता था। अमर चमकीला का नाम भी खूब आता है। चमकीला वही कलाकार है जिनको स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त गोली मार दी गई थी। सरदूल सिकंदर, कुलदीप मानक, सुरेंदर शिंदा, ये वो कलाकार हैं जो बिल्कुल ठेठ गायकी से जुड़े थे और जट होने वाली बात को लेकर काफी गाने गाते थे। बाद में जब म्यूजिक का दौर बदला तो बब्बू मान, जैजी बी, दिलजीत दोसांझ जैसे गायक आए। इन सब ने कहीं ना कहीं अपनी गायकी में जट होने की बात को गर्व करने और हथियारों के दम पर अपनी ताकत दिखाने जैसी बातें की। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के मामले में ये थोड़ा अलग था। सिद्धू मूसेवाला ने हथियारों के दिखावे, जट होने की बात और खून खराबे को हद से ज्यादा ग्लोरीफाई किया। अब आते हैं दलितों के रैप पर। आपने ओटीटी पर आई वेब सीरीज पाताल लोक तो देखी होगी। इसमें एक रैपर को दिखाया गया है, इसका नाम था डेंजर मंजार। ये दलितों के लिए लिखता और गाता था। एग्रेशन से भरे इसके लिरिक्स होते थे। इस चित्रण में भी जट बनाम दलितों की राजनीति और सामाजिक स्थिति को दिखाया गया था। पंजाब का जट समाज हमेशा से दबंग रहा है। पैसे, जमीन, ताकत, कारोबार, सियासत, हर मामले में जटों का ही दबदबा रहा है। हालांकि वक्त के साथ दलित म्यूजिक बढ़ा, वक्त के साथ दलितों की स्थिति सुधरी, तो उनके म्यूजिक में भी अलग तड़का लगा। गिन्नी माही और रूपलाल धीर जैसे कलाकार अपनी गायकी से दबंग जातियों को जवाब देते हैं। वो भी अब साफ तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि वो अब दबने वाले नहीं हैं। ये पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के दो पहलू हैं, एक है दबंगों का और दूसरा है दबे कुचले वर्ग का जवाब देने का। एक सवाल अब ये आता है कि पंजाबी म्यूजिक में गन कल्चर या हथियारों का इतना दिखावा क्यों है? काफी लोगों से बात करने और पढ़ने के बाद पता चलता है कि पंजाब देश का वो सूबा है जो हमेशा से संघर्षरत रहा। इस धरती ने कई खून खराबे देखे हैं। विरोध की धरती भी पंजाब रही है। यहाँ तक कि गुरुओं से भी शस्त्रधारी होने की शिक्षा मिली है। सांस्कृतिक तौर पर भी शस्त्र का प्रभाव इस इलाके पर रहा है। यही कारण है कि गीतों में भी हथियारों का इतना जिक्र आता है। सिद्धू मूसेवाला ने इसी कल्चर को अपने गीतों में बढ़ावा दिया। गीतों के जरिए मूसेवाला को शोहरत तो मिली, लेकिन साथ ही साथ दुश्मनी भी मिली। इसी का खामियाजा था कि गैंग वॉर में मूसेवाला की हत्या हो गई। इससे पहले भी पंजाब में कई कलाकारों पर गोलियां चली, कोई बचा तो कोई मर गया। लेकिन दशकों से एक बात पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में चलती आ रही है, वो है गन कल्चर, हिंसा, जातीय दंभ और दबंगई का प्रदर्शन। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।